गेट अन रेडी विथ मी बट टूडे आई विल बी शेयरिंग कि हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ बिकॉज मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ तो आप लोगों को पता ही है मुझे मेकअप और स्किन केयर कितना ज़्यादा पसंद है बट आफ्टर आई बिकेम प्रेगनेंट लि दिसक अ बैक सीट बट अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि इट इज वट गिव मी पीस आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग दे मुझे बहुत सुकून मिलता है अगर मैं अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी और थोड़ा सा टाइम निकालूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द डे मैं बहुत ज़्यादा लेजी या फिर टायर्ड रहती हूँ और मेरे साथ आप लोग भी ये मानोगे कि जो भी मॉम होती है उनके पास टाइम क्रंच बहुत ज्यादा होता है हर चीज एक टाइम में प्रॉपर टाइम में करना होता है और उसके लिए हर चीज के साथ एडजस्ट करना होता है जो आपकी पहली वाली लाइफ थी उससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके टाइम निकाल के आपकी बेबी को हर चीज में प्रायोरिटी देनी होती है इस चक्कर में हम माओ की ना बहुत सारी चीजें टूट जाती है या फिर हम लोग अपने शौक को सोचते हैं कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे बट स्किन केयर मैंने रियलाइज किया है एक ऐसी चीज अगर हम टाइम पे नहीं करेंगे तो बाद में ये टाइम ना मुझे वापस नहीं मिलने वाला ऑल्सो बिकॉज इट इज लाइक अ थेरेपी टू मी आप भी मुझे बताना कि आपके लाइफ में कौन सी चीज एज ए स्ट्रेस बस्टर काम करती है मैं जरूर जानना चाहूंगी